अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज वीडियो बहुत दिनों बाद पोस्ट कर रही हूँ, इसके लिए माज़रत चाहती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा मसरूफ़ थी। प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप देखते भी नहीं हैं। छोटे छोटे रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि स्किन के लिए बहुत ही नेचुरल होती हैं और फ़ायदेमंद भी होती हैं। कोई महंगी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, कोई ऐसे प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ जो ऑनलाइन आपको बाय करनी पड़े या किसी भी जनरल स्टोर से या किसी भी आपको शॉप से या किसी भी पार्लर वगैरह से बाय करना पड़े या ही आपको पार्लर जाना पड़े। कोई भी आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो अशिया मौजूद होती हैं उनके साथ आप अपनी स्किन को नेचुरली ग्लो दे सकती हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि अगर आपकी स्किन पर छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, एक्नी है, पसीना आना शुरू हो गया है या इचिंग होती है या वाइटर्स ब्लैकेट्स हो चुके हैं नाक पर बहुत ज़्यादा, तो आप इस टिप का लाजमी इस्तेमाल करें। बहुत ही नेचुरल सी टिप है और बहुत ही फ़ायदेमंद आपकी स्किन के लिए ये है। तो ईद से पहले पहले आप अपनी रंगत को खूब निखार सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन लाजमी आपने इस टिप का इस्तेमाल करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 चम्मच दही लेना है, आधा चाय के चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेना है और इन दोनों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, जितना ये अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो सके ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है तो हम इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे थिकनेस को ख़त्म करने के लिए, अच्छा सा मिक्सचर तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले हम दही और मुल्तानी मिट्टी के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम आखिर में रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे। और एक और चीज़ भी है जो हम इसमें ऐड करेंगे, वो है लास्ट पे आपको बताऊंगी कौन सी वो चीज़ है। मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं थोड़ा थिक हो चुका है। अब हम इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे, तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और फिर हम इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अब बिल्कुल ठीक है टेक्सचर इसका। जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाए तो लास्ट में हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो हमारे फेशियल के लिए ज़बरदस्त है और ज़रूरी एसेंशियल यानी के प्रोडक्ट है। कोई इतनी महंगी नहीं है, आपको पूरा जार मिल जाएगा 200 में तकरीबन, मेडिकल स्टोर से भी बाय कर सकते हैं आप और किसी भी आम शॉप से अगर आपको मिल जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई ऑयल इसमें ऐड करना है। इस ऑयल में ये जो फेशियल ऑयल है ना, इसको मोस्टली पार्लर में फेशियल वगैरह में इस्तेमाल करती हैं। इसमें एलोवेरा जेल का टेक्सचर भी है और विटामिन ई ऑयल भी है, यानी कि एक चीज़ में 2 फ़ायदे आपको मिल रहे हैं। फेशियल ऑयल 1 अदद कैप्सूल यहाँ से निकाल लेंगे और उसको काट कर उसका ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा ज़बरदस्त सा फेशियल तैयार हो चुका है। इस फेशियल को इस्तेमाल करने से पहले हमने क्या करना है, कच्चा दूध लेना है, कॉटन लेनी है, कॉटन को हमने अच्छा सा रोल अप कर लेना है और फिर दूध में डिप करके कॉटन को फेस पर क्लींजिंग कर लेनी है तकरीबन 5 मिनट के लिए, और उसके बाद हमने इसका इस्तेमाल कर लेना है स्किन पर। और जब हम इसको स्किन पर इस्तेमाल करेंगे, ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, उंगली की मदद से भी पूरे फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक पर भी आपने इसका इस्तेमाल करना है ताकि फेस के साथ साथ नेक का कलर भी आपका फेयर होना शुरू हो जाए। तो क्लींजिंग मिल्क, जो मिल्क मैंने आपको बताया है, कच्चा दूध लेना है, कॉटन डिप करके गर्दन पर भी आपने उसको मसाज करना है, फेस पर भी करना है ताकि आपका फेस अच्छे से क्लीन हो जाए, और फिर आपने ये क्रीम इस्तेमाल कर लेनी है जो कि हमने अभी अभी तैयार की है नेचुरल तरीके से। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खुश होने तक आप इसको लगा रहने देंगे, यानी कि 10 मिनट 12 मिनट कहीं नहीं गए, और उसके बाद आप वाश कर लेंगे। हफ्ते में 2 दिन लाजमी इस्तेमाल करें, ईद से पहले पहले आपकी रंगत बिल्कुल निखर जाएगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आपके लिए टाइम निकालती हूँ, मेरा छोटा बेबी है, घर की रूटीन को भी देखती हूँ, बेबी की रूटीन को भी देखती हूँ, उसके बाद मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, कोई भी टिप्स आपके साथ घरेलू जो होती हैं वो शेयर करती हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो सके, महंगी प्रोडक्ट्स ना लें, महंगे पार्लर भी ना जाएँ अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।